फ्रेंड्स, फिर से सॉरी नहीं बोलूँ। आज के वीडियो बताने वाले कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो A9 2020। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, आपको डायल पैड को ओपन करना है। इसके बाद आपको डायल पैड को ओपन करने के बाद आपको सेकंड फेस नजर आएगा। और फ्रेंड्स, आपको फोन सेटिंग पे क्लिक करना है वैसे। और फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्टैक्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको इस सेकंड फेस नजर आएगा, सेटिंग पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ नहीं मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग, इसलिए आपको फोन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको टू डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ दिखेगा आपको सेटिंग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर। इसके बाद आपको सेकंड फेस नजर आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा कॉल रिकॉर्डिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा कॉल और कॉल्स, तो रिकॉर्डिंग और कॉल्स, तो आप इसे यहाँ से ऐसे इनेबल करेंगे, आपका ये इनेबल हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये जो भी आपको एक कॉल आया था रिकॉर्ड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इसे यहीं से डिसेबल भी कर सकते हैं। और डिसेबल करने से पहले यहाँ पर आपको दिखेगा रिकॉर्डिंग अन नाउ, तो नंबर, तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर मैं इसे इनेबल करके रखना चाहूँगी। और उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा व्यू कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स कितने आए हैं व्यू, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ से बैक करने, और फ्रेंड्स इसे आप सीख चुके हैं कि कॉल रिकॉर्ड, सॉरी फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग ऑल कॉल्स इसे इनेबल कैसे करें आप सीख चुके हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग इसी प्रकार से इनेबल करते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आप सीख चुके हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।